तो भाई ये देखो कस्टमाइज केक करवाया हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम फटाफट जा रहे हैं भाई की बर्थडे की पार्टी की तैयारी के लिए। सबसे पहले तो केक करवाना है उसके लिए, वो तो गया हुआ मस्त लाइब्रेरी। तो अभी चलते हैं, करते हैं बाइक स्टार्ट। मस्त केक बनाएंगे उसके लिए, कस्टमाइज ही कर लेंगे चाहे। तो भाई की ना सनग्लासेस टूट गई थी, तो मैंने उसके लिए सनग्लासेस ली हुई है नई। और अभी मैं मार्केट पहुंच गई हूँ, यहाँ पे कुछ पहले खुद के लिए ले लेते क्योंकि बहुत ही नींद लग रही है। भाई ये एक मस्त एनर्जी ड्रिंक ली है, अब देना काम क्या फटाफट हो गया। ऐसे बहुत लेजीनेस लग रहा था, ये एनर्जी ड्रिंक पी के सारे काम एनर्जी में हो जाएंगे। तो भाई ये इधर बेकरी है, यहाँ देखो क्या मस्त है बैठने के लिए, ये देखो। तो भाई ये देखो कस्टमाइज केक करवाया हुआ है और इन्होंने कहा कि 30 मिनट में ही बन जाएगा। भाई का फेवरेट कलर ये स्काई ब्लू जैसा है कुछ कुछ, तो मैंने ऐसा बनवाया हुआ है। अब देखते हैं ये कैसा बन के आएगा। तो अभी मैं वेट इधर ही कर रही हूँ, यहाँ पे मस्त पंखा पंखा चला हुआ है। बाकी भाई केक तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने ना बड़ा करवाया है। अब पता नहीं कितने बंदे आएंगे, अभी प्लान बन नहीं रहा है। कोई मना कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई मना कर रहा है। देखते लास्ट में कहीं मैं और भाई ना बन जाएँ। तो भाई बर्थडे का प्लान कुछ ऐसा बन रहा है कि कुछ बन ही नहीं रहा है क्योंकि बारिश का वो बरसात का मौसम है, हर जगह ही इस साइड तो लैंडस्लाइड ही हो रही है। मंडी से मनाली की तरफ को जाएंगे तो रोड तो ऐसे दर्दनाक दृश्य दिखने को मिल रहा है कि हम जा ही नहीं पा रहे। वैसे हमारा प्लान तो उस साइड ही जाने का था, हम जा रहे थे मनीगढ़ और वहाँ पे हमने मस्त घूमना फिरना था, पर वो हो नहीं पा रहा है। भाई बंदे भी नहीं अभी हो रहे हैं। विक्की भाई को बुलाया था मैंने, विक्की भाई भी कहीं फंसा हुआ है, पर विक्की भाई का तो डन हो गया। विक्की भाई तो आ ही रहा है और देखते हैं विक्की भाई के साथ कौन कौन आएगा। जब तक केक बनता है तब तक कुछ खा पी आता है, बहुत भूख लग रही है। तो भाई इधर पेट्रोल भरने आई थी और आज क्या है भैया? आज हमारा स्पीड डे होता है। अच्छा, तो आप सबको मुंह मीठा कर रहे हैं सबका? मुंह मीठा कर रहे हैं सबका। तो भाई इधर पेट्रोल भी मस्त भरा और चॉकलेट भी मिल रही है मस्त, हमारे जो कंपनी की तरफ से है ना जी। अच्छा अच्छा, स्कीम चली होती है? कैसी स्कीम? मतलब जैसे टू व्हीलर के लिए ना जी, ये लगे प्लान आगे। अच्छा अच्छा, तो भाई इधर मस्त चॉकलेट खाओ, पेट्रोल भरो और स्पीड डे पे ही मिलेगी ये। तो स्पीड डे पे ही आपको चॉकलेट मिलेगी, तो आपको स्पीड डे पे ही पेट्रोल भरना है। ओके भाई, चॉकलेट खा। भाई चॉकलेट खाने के बाद मैं जा रही हूँ इधर, एक्सप्लोर कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे देखा तिब्बतन किचन चली रही थी बाइक पे, मैं कहा चलो अब अकेले है, जब तक भाई नहीं आता, जब तक और साथी नहीं आते तब तक खुद ही अकेले एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर खाएँगे मस्त चाइनीज़ फूड। भाई ये मस्त छोटू सी शॉप है और यहाँ से ट्राई करते हैं वेज मोमो और वेज थुपका और आपको देते हैं मस्त तगड़ा सर्विस। तो ये भाई मस्त थुपका आ गया है, ये देखो, और साथ में मिला है सूप फ्री का। इसमें भी सूप है, इसमें भी सूप है, साथ में आया है फ्राइड मोमो। थुपका मैंने टेस्ट किया, बहुत ही अद्भुत है। इसके नूडल थोड़े मोटे मोटे हैं पर अच्छे हैं। अभी इधर फ्राइड मोमो कराया है, ये टेस्ट करके बताते हैं आपको कि कैसा टेस्ट है इसका। भाई मोमो तो बहुत ही बेहतरीन है और अंदर देखो बिल्कुल पनीर 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 ही पनीर है। और आप सोचो ये हाफ प्लेट है 40 रुपए की। तो भाई मस्त खा के निकल गई हूँ और अब जा रही हूँ मैं एक बार सुंदरनगर बस स्टैंड, एक गिफ्ट आना है जो कि मैं बस से आ रहा है। तो मैंने फटाफट वो बस पहुँची है हराबाग, यहाँ हराबाग से इधर को लगते हैं 5 से 10 मिनट। तो भाई ये बिल्कुल मेरे सामने रहा बस स्टैंड और उधर से आएगी बस, यहाँ पर मैं खड़ चुकी हूँ। तो भाई भाई की पॉपुलरिटी है वैसे, मानना पड़ेगा, खुद बंदा चिल है, उसके यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं देखो मेरा काम तो देखो, उसको पहले केक कराओ। उसने कभी ज़िंदगी में ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि कोई उसके लिए इतना कुछ कर सकता है। तो चलो भाई, अब मुंह मिट्टू क्या होता है भाई, मुंह मिट्टू नहीं होता भाई। अब पता नहीं कब तक बस आएगी और कोई भी नहीं, सिर्फ आई एम सिंगल। तो भाई जब तू ये ब्लॉग देखेगा तो ये देख लेना कि और कोई भी नहीं था, तेरी पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज मैं कर रही हूँ और वो भी सिंगल है और कोई नहीं है। और हेलमेट देखो बस। भाई ये बस आई है कृष्णा बस, इधर से मिलेगा बस। वाह, इतना फटाफट मिला, ये देखो भाई गिफ्ट, तो देखो गिफ्ट गिफ्ट का लिफाफा, तो देखो आधे घंटे इतनी धूप में खड़ने के बाद फाइनली मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया है। मैंने उधर लगा ली थी भाई, अब चलते हैं। केक भी बन गया होगा, बाकी सारी चीज़ें भी हो गई है। अब फाइनल क्लोजर देते हैं इस बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस बर्थडे पार्टी प्लान के लिए।
तो भाई अब फाइनली मैं जा रही हूँ रूम, और केक मैंने ऑर्डर करवा दिया है। क्या पता हमारा आपके बाद ही बने प्लान जाने का, क्योंकि सारे जितने भी लोगों ने आना था वो फाइनली रेडी हो चुके आने के लिए। एक विकी भाई आएगा, एक शायद उसके साथ निखिल आए, कनिष्क हो सकता है, और एक भाई और एक मैं। तो हम सोच रहे हैं कहीं कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो जगह हमने ऑलरेडी डिसाइड की हुई है, वहीं पे जाएंगे, वहीं पे हम अपना टेंट टुंट लगाएंगे, मस्त मज़े करेंगे। तो भाई फाइनली पहुंच गई, मैं केक ऑर्डर भी करा दिया, जिसके गिफ्ट्स भी ले लिए और जो डेकोरेशन के लिए चीज़ें चाहिए थी वो भी ले ली। अब बस अब हमने निकलना है जहाँ पे बर्थडे मनाना है, केक काटना है, मस्त मज़ा करेंगे। हमने एक मस्त जगह ढूंढी हुई है, वहाँ पे हम लेके जाएंगे, हमारे पास सब सामान है कैंपिंग का। इसके रूम में भाई किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे को तो इसके रूम आने के बाद पता चल गया ओहो हम इतने ज़्यादा अमीर हैं। तो फिलहाल भाई अभी मैं रूम जाके करते हैं पैकिंग बुकिंग और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर जहाँ हमने जाना है। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी और नेक्स्ट वाला ब्लॉग यहीं से आगे स्टार्ट करूँगी। तो देखना आपकी हम क्या भयंकर सी जगह पर इसके बर्थडे मनाएंगे, ट्रैकर है ना तो ट्रैकिंग की तरह ही हम इसका बर्थडे मनाएंगे। फिलहाल मैं रूम पहुंच गई हूँ, और ब्लॉग सुना है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। भाई का बर्थडे भाई पूरी जुलाई चलता है।